बहुत अच्छा है बिहार के लिए टूरिज्म का ये सब प्रोत्साहन। आयाम एक नया आयाम बन रहा है मुंगेर में। आइए ना हमारा मुंगेर में। वोटिंग करें कैसा लगा ना? अच्छा लगा। आइए ना हमारा मुंगेर में। वोटिंग करें कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मुंगेर बहुत बदल रहा है। अब वोटिंग करना चाहिए ना। मुंगेर हमारा बदलना चाहिए। बैठे हुए बोट पे और आनंद ले रहे हैं और भैया से पूछते हैं कितना मजा आ रहा है इनको। तो भैया कितना मजा आ रहा है मुंगेर में बोट सर्फिंग? हेलो गाइज, इट्स मी सनी हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज पूरा देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है, हम लोगों के लिए भी है। तो इसी के शुभ अवसर पे आज हम लोग मुंगेर आए हुए हैं और मुंगेर में हम लोग जयप्रकाश उद्यान में आए हुए हैं। यहीं के पास एक छोटा सा तालाब है जिसका नाम है रानी तालाब और वहाँ पर बोट राइडिंग की व्यवस्था की गई है, तो जिसका नाम है अयप्पा बोट पॉइंट। तो उनके जैसा कि उनके प्रोपराइटर से भी हम लोगों ने बात किया जिसका नाम था शिवपाल यादव, वो काफ़ी कुछ इन विषय में हम लोग को बताएं। तो ये काफ़ी अच्छा कदम है मुंगेर का कि यहाँ पे वोटिंग स्टार्ट किया गया है और लोग काफ़ी खुश हैं मुंगेर की जनता और काफ़ी लोग वहाँ पे वोट राइडिंग का जो लुत्फ है वो उठा रहे हैं। हमने भी बैठा, फर्स्ट टाइम बैठा तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी यहाँ आइए और ये जो मुंगेर का छोटा सा प्रयास है इनको और आगे तक ले जाइए। और अभी बहुत कुछ आने वाला है ना, वहाँ पे और भी बोटिंग आएगी। तो गाइस अभी हम लोग आए हुए हैं मुंगेर में और मुंगेर में हम लोग किला के अंदर जो कि जयप्रकाश उद्यान है उसके अंदर पास ही एक छोटा सा खूबसूरत सा तालाब है जिसमें कि एक बोटिंग स्टार्ट किया गया है और जिसका नाम है अयप्पा बोटिंग। कैसा लगा भाई आप लोग को बोटिंग करके? बहुत अच्छा है बिहार के लिए टूरिज्म का ये सब प्रोत्साहन। आयाम एक नया आयाम बन रहा है मुंगेर आयाम है जी। तो ये जो वन विभाग और ये नगर निगम की ओर से जो प्रयास आप लोग को अच्छा लगा है ना, तो अब क्या कहेंगे व्यूअर्स को कि उनको यहाँ आना चाहिए? हाँ आइए, अपना रिव्यू दीजिए मुंगेर के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा आकर हम लोग का इन लोगों का भी प्रोत्साहन कीजिए। तो एक बार बोला जाए अपना मुंगेर ना कि आइए ना हमारा मुंगेर में। आइए ना हमारा मुंगेर में। एक दो तीन आइए ना हमारा मुंगेर में। चार पाँच लोग बैठे हुए बोट पे और आनंद ले रहे हैं और भैया से पूछते हैं कितना मजा आ रहा है इनको। तो भैया कितना मजा आ रहा है मुंगेर में बोट सर्फिंग का? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुंगेर भी एक ऐसा कल्चर बना है जहाँ पर हम लोग बोटिंग कर सकते हैं। यही रिक्वेस्ट है, यही क्लब है कि सब लोग मुंगेर में एक बार घर से दर्शन करने आएंगे और मुंगेर को एक विकसित राज्य के जिलों के रूप में विकसित करेंगे। जय बिहार जय मुंगेर। वोटिंग करें कैसा लगा ना? अच्छा लगा। तो क्या कहोगे लोगों से? मुंगेर आना चाहिए। हमारा गांव मुंगेर में। आइए ना हमारा मुंगेर में। वोटिंग करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो क्या कहेंगे मुंगेर की जनता से, हमारे व्यूअर्स से? मुंगेर बहुत बदल रहा है, यहाँ पे घूमने के लिए आना चाहिए भैया यहाँ आप लोग को। मुंगेर बहुत बदल रहा है। अब वोटिंग करना चाहिए ना? मुंगेर हमारा बदलना चाहिए। आइए ना हमारा मुंगेर में। मुंगेर को और आगे बढ़ाएं और अपना सपोर्ट करें। यहाँ पे बोट राइडिंग स्टार्ट किया गया है तो हम लोगों के लिए काफ़ी खुशी की बात है। तो गाइस यहाँ पे आएं और आप लोग इस बोट राइडिंग का मजा लें, आनंद लें। Thank you.
जो बोटिंग की शुरुआत की गई है नगर निगम और वन विभाग की ओर से, ये मुंगेर में पर्यटन को एक नया आयाम देगा और ये मुंगेर के लिए काफ़ी बेहद खुशी की बात है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम मुंगेर सिटी में बोटिंग का शुरुआत किया गया है। तो लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी खुश हैं, बच्चे लोग भी यहाँ आ रहे हैं और ये इसी दिन का हम मुंगेर वासियों का काफ़ी दिन से इंतज़ार था। गाइस आप लोग को भी होगा, तो अगर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और बिल्कुल रियली जितना जल्दी हो सके आप लोग यहाँ पे आइए। हमारे साथ कुछ मेरा भाई लोग हैं और ये काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, रोमांचित नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ पे आके हरे भरे पेड़ पौधे के बीच बोटिंग का आनंद ले सकते हैं, जो कि बेहद आपके लिए रोमांचित होने वाला है और एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे आके मिलेगा। तो अभी हमारे साथ शिवपाल यादव जी हैं जो कि इस अयप्पा बोटिंग पॉइंट के प्रोपराइटर हैं, तो इनके साथ बोट पे चलते चलते कुछ बात करेंगे और आपको दिखाते हैं उनके यहाँ पे जितने भी बोट पे इंतजाम हुआ वो सारा चीज़ आपको बताएंगे और दिखाएंगे क्या कुछ मुंगेर में हुआ है और क्या कुछ होने वाला है आगे। और जैसा कि आज पूरा देश चौतरमा गणतंत्र दिवस मना रहा है उसके शुभ अवसर पर आज हम लोग मुंगेर आए हुए हैं और यहाँ पे एक अयप्पा बोटिंग पॉइंट की शुरुआत की गई है, तो ये मुंगेर के लिए बेहद ही खुश करने वाली बात है। बहुत सारे मुंगेर बहुत दिनों से मुंगेर वासियों को इस दिन का काफ़ी दिनों से इंतजार था। बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा है वो बेहद ही खूबसूरत है और चारों तरफ बिल्कुल ग्रीन लस फॉरेस्ट है, तो उनको देख करके और उनके बीच ये तालाब में बोटिंग करके राइड करके काफ़ी मज़ा आ रहा है। और सच्ची भाई रैली मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम मुंगेर सिटी के अंदर किले के अंदर ये जो छोटा सा तालाब जो कि बेहद खूबसूरत है यहाँ राइड करना बेहद ही रोमांचित करने वाला है और बेहद ही खुशी की बात है। हमारे साथ आज अयप्पा बोटिंग पॉइंट के प्रोपराइटर शिवदयाल यादव सर हैं, तो चलिए इनसे कुछ बात करते हैं और आपको बताते हैं कि ये कब स्टार्ट हुआ और क्या क्या कितने बोट हैं और कितने बोट आर लाया जाएगा, फाउंटेन लगेगा या नहीं और इसमें कितना पानी है, सेफ्टी पर्पस क्या होगा, सेफ्टी है या नहीं लोगों के लिए ताकि लोग यहाँ पे आए, क्योंकि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है सेफ्टी का। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के और मुंगेर का जो टूरिज्म है जो पर्यटन क्षेत्र है उसमें क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होना बाकी है, वो सारी बातों को हम लोग यहाँ पे इनसे पूछेंगे। और कितना टूरिस्ट अभी आकर्षित यहाँ पे हो रहे हैं इस बोटिंग राइड को लेकर के। तो सर जी ये बताइए कि अभी जो ये बोटिंग राइड जो स्टार्ट हुआ है मुंगेर में ये कब इसका उद्घाटन किया गया? उद्घाटन नहीं हुआ, विधिवत उद्घाटन बाकी है, इसको ट्रायल के लिए चला जा रहा है। अच्छा, ट्रायल हो जाए, लोगों का उत्साह देखा जा रहा है कि जनता में क्या रिएक्शन है, ये सारा चीज़ देखा जा रहा है और क्या क्या दिक्कतें हैं इसको भी देखा जा रहा है। तो नगर निगम की तरफ से ये सारा चीज़ है, हम समझते हैं कि जनता और नगर निगम के प्रयास से ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ हो सकता है। जिस तरह आप सोच रहे हैं हम समझते हैं कि मुंगेर में बहुत दिनों से लोगों का यह मांग रहा है कि यहाँ बोटिंग पॉइंट हो और इसको पर्यटन के दृष्टिकोण से इसको आगे बढ़ाया जाए। जी जी, इसमें बहुत खूबसूरती और ब्यूटिफिकेशन का बहुत सारा काम बाकी है जो कि लगता है कि अंडर प्रोसेस है, वो भी जल्द निकट भविष्य में नगर निगम के द्वारा कर दिया जाएगा। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ सर, तो हम खुद सर्टिफाइड जो है लाइफ गार्ड है और खुद से देखते रहते हैं इसको। जी जी, तो यहाँ पे अभी ये बता रहे हैं कि बहुत कम है, ये खुद सर्टिफाइड लाइफ गार्ड है, ये बहुत खुशी की बात है। अभी जो है ये पानी बहुत कम है, हम जहाँ चल रहे हैं अभी हम लोग 1.5 फीट पानी है। अच्छा, इस ख्याल से उतना ज़्यादा लाइफ जैकेट का ज़रूरत नहीं, समझ में लोगों को आपकी लाइफ जैकेट है भी नहीं, अभी एक सप्ताह हुआ है इसको चल के, अब लाइफ जैकेट कल से ऑन हो जाएगा, मेरे समझ से कल आ जाएगा, डिलीवरी हो जाएगा और वो सब लोग को पहनाना फिर भी आदत भी डालेंगे कि लाइफ जैकेट डाल के जानिए। हाँ,
बहुत अच्छी चीज है, आगे दिन में बहुत अच्छा लगेगा लोगों को, आकर्षण का केंद्र बनेगा मुंगेर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है जो सारी बातें उन्होंने इनसे पूछा और ये बताएं कि अभी एक छोटा सा शुरुआत है, ये ट्रायल फेज है इनका चल रहा है, तो आगे निकट भविष्य में और कुछ यहाँ होने वाला है। अभी जो नगर निगम और वन विभाग से और से जितना भी ये प्रयास किया गया, ये बेहद ही मुंगेर वासियों के लिए कोई तोहफा सा कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ दिखा सकते हैं आप कि कितने लोग उत्सुक हैं और कितने खुश हैं और कितने रोमांचित महसूस कर रहे हैं बोट राइड करके। पूरा लाइन लगा हुआ है, लोग टिकट ले ले करके घंटों से रखे हुए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा रिस्पांस है कि बोट राइडिंग का मुंगेर में। तो उम्मीद तो करते हैं कि ये अभी और आगे तक जाएगा, जैसा कि ये सर ने भी कहा कि ये बहुत आगे तक जाएगा। और ये जो अभी जो मुंगेर के जो अभी आयुक्त है नगम का, वो भी काफ़ी एनर्जेटिक है और इन पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सहयोग मिला हुआ है वन विभाग का भी, तो समझते हैं कि ये सब जो प्रयास है वन विभाग का, ये काफ़ी अच्छा है और नगर निगम का भी, और ये बेहद सराहनीय है और धन्यवाद के पात्र है। तो मुंगेर वासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है।